एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से तीन प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। ना सिर्फ एफबीआई बल्कि यूएस की तीन टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कट्रास के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कट्रास का सारा भ्रम तब टूटा जब तीन प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये चार लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंग्लिन और क्लियरेंस एंग्लिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्कट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था, चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे।